जिसका डर था वही हुआ। श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या की बड़ी धड़कन। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी श्रीलंका दौरे पर वापसी करेंगे। हालांकि टीम के नए मुख्य कोच गौतम गंभीर अपनी पहली सीरीज में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक सभी की छुट्टियां रद्द करने की मांग की है और उन्हें वापस बुला लिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में शामिल लगभग सभी गेंदबाजों का इस दौरे पर आना तय था। सीनियर खिलाड़ियों में सिर्फ बुमराह को आराम दिया गया था। वहीं 27 जुलाई से शुरू होने वाली T20 सीरीज से पहले कोच गंभीर के लिए बुरी खबर है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज घायल हो गए हैं। मोहम्मद सिराज T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा भी थे। वहीं श्रीलंका दौरे पर बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज सीनियर बॉलर की भूमिका में थे। हालांकि अब चोट की वजह से ये संभव नहीं हो सकता। गौतम गंभीर ने सोच लिया था कि बतौर कोच वो जीत के साथ करियर की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा गौतम गंभीर ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे में T20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है। हेड कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव श्रीलंका दौरे पर सिर्फ 3 गेंदबाज अपने साथ लेकर गए हैं। आपको बता दें, श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज का नाम शामिल है।